एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राफेल में अभी बहुत कुछ बाहर आना बाकी है, जबकि लोकसभा चुनावों के बारे में कमलनाथ ने दावा किया कि कांग्रेस को भारी सफलता मिलेगी। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के तूफानी मुख्यमंत्री, आजकल उनके प्रश्न तक कह रहे हैं तूफानी मुख्यमंत्री। सर, आप छिंदवाड़ा आ रहे हैं और शिकारपुर अपने घर तक नहीं जा रहे, दावोस से जब से लौट के आए हैं आपके प्रश्न तक आपको कह रहे हैं तूफानी हो गया। अब तूफानी का प्रश्न नहीं है, आज आवश्यकता है कि दिन में 18 घंटे काम करने का, क्योंकि मध्य प्रदेश की व्यवस्था में परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता है, इस पर पूरा ध्यान देना है। मध्य प्रदेश की जो इतने सालों की समस्या है उन पर कार्रवाई शुरू करनी है। सर, नकुल को कह रहे थे कि भावी सांसद छिंदवाड़ा के, अब ये यहाँ के कांग्रेस परिवार के सदस्य तय करेंगे और आम जनता तय करेगी। सर, आप लगातार दौरों पर रहते थे, आप तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति करते हैं, नकुल आपकी लोकसभा सीट में किस तरह से मदद करते रहे अभी तक? हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते थे, हर चुनाव अभियान में मेरे साथ थे, और जो घर में काम होता था, जो मेरा ऑफिस का काम घर में होता था, उसकी देख रेख करते थे। सर, ये रफाल पे रार कब खत्म होगी? ये रफाल की बहुत सारी चीजें और सामने आने वाली है। और सर, ये राहुल गांधी जो कहते हैं कि रफाल में पूरी तरह से केंद्र सरकार धोखे में रखती रही, ये तो सबूत जो आ रहे हैं, राहुल गांधी के कहने पर बात नहीं है, पर जो सबूत सामने आ रहे हैं राहुल गांधी जी तो केवल उसे उजागर कर रहे हैं। सर, कमलनाथ जी के लोकसभा चुनाव के तीन प्रमुख मुद्दे और आपकी उम्मीद क्या है लोकसभा चुनाव से? लोकसभा चुनाव में भारी सफलता कांग्रेस पार्टी प्राप्त करेगी। तीन प्रमुख मुद्दे सर, हमारे जो हमने 45 दिनों में 50 दिनों में पूरा किया, ये हम जनता के सामने रखेंगे। 45 दिन में कमलनाथ सरकार ने जो काम किया है, ये कमलनाथ का कहना है कि उनका प्रमुख मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में सिर्फ इन 45 दिनों का काम है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज 18 इंडिया। जम्मू के रामबन जिले में पहाड़ खिसकने से हड़कंप मच गया। इस घटना की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया, क्योंकि पहाड़ का मलबा नेशनल हाईवे पर आ गया। पहाड़ के मलबे के साथ साथ बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूट कर गिरते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। अचानक पहाड़ खिसकते देखकर वहां से गुजर रहे लोग रुक गए। इस घटना की खबर मिलते ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे और मशीनों की मदद से मलबे को हटाने में जुट गए। नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। हालांकि इस बीच कुछ लोग अपना सामान लेकर कच्चे रास्तों से अपने घर जाते हुए दिखाई दिए। राफेल मुद्दे पर कांग्रेस ने अब नई मांग रखी है। हितों के टकराव का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि से राफेल विमानों की खरीद के करार की ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग करने की मांग की है। कांग्रेस की मांग है कि तत्कालीन वित्त सचिव के तौर पर राजीव महर्षि राफेल खरीद के बातचीत का हिस्सा थे, इसीलिए उन्हें ऑडिट प्रक्रिया से खुद को अलग करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने कैग पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया। जेटली ने आरोप लगाया कि कांग्रेस झूठ के आधार पर अब कैग जैसी संस्था पर कलंक लगा रही है। दरअसल आज संसद में राफेल डील पर कैग रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के साथ काम करने वाले सरकारी अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उन पर नजर रखी जाएगी। एक बात तो अधिकारियों को भी समझ लेनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आते हैं और चुनाव जाते हैं। कभी हम विपक्ष में बैठेंगे, कभी सत्ता पक्ष में बैठेंगे, सत्ता पक्ष भी होगा। तो जो ऐसे अधिकारी कुछ लोग हैं, प्रधानमंत्री जी को ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए हम कितने लॉयल हैं आपके, कि हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के होते हुए भी हम आपका साथ देंगे, आपका भी साथ देंगे, अपना भी साथ देंगे। तो हम उनको पे हमें हमारी नजर उन पे है। यूपी के सहारनपुर में जहरीली शराब पीने की वजह से हुई 58 लोगों की मौत से गुस्साए लोगों ने दिल्ली मुजफ्फरनगर रोड पर जाम लगा दिया। इन लोगों ने प्रशासन को मौत का जिम्मेदार माना और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में सड़क पर हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए परिजनों ने यहां पर जाम लगाया हुआ है और सहारनपुर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहां पर मौके पर हैं और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल नाराज महिलाएं बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई और सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने और हंगामा होता रहा। लोगों ने मुआवजे की रकम पर भी सवाल उठाए और उसे नाकाफी बताया। रुपये में तो कुछ भी नहीं होता, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो कुछ नहीं होने का, कम से कम मुआवजा बढ़ाया जाए। इस बीच वहां मौजूद कुछ महिलाओं की पुलिस अधिकारियों से बहस भी हो गई, जबकि आसपास मौजूद इमारतों की छतों पर भी लोग जमा हो गए।
चेन्नई में मुगली वक्कम परोर के एक रेस्टोरेंट में रोबोट ने लोगों को खाना परोसा। वहां ये पहला रेस्टोरेंट है जहां वेटर की जगह ग्राहकों की सहूलियत के लिए रोबोट रखे गए, जिनमें शामिल एक रोबोट रिसेप्शनिस्ट है तो 7 रोबोट वेटर हैं जो ग्राहकों को खाना परोसते नजर आए। इससे पहले ग्राहक ने टेबल पर रखे टैब की मदद से अपना ऑर्डर दिया, जिसके बाद गले में कपड़ा लपेटे रोबोट ग्राहक की टेबल तक उनका खाना परोसने के लिए वहां पहुंचा, जिसे देखकर एक लड़की ने उसकी तस्वीर अपने फोन में कैद कर ली। इस बीच रेस्टोरेंट प्रबंधन ने वहां रखे गए इन रोबोट के ग्राहकों से बातचीत करने का भी दावा किया। ग्राहकों को खाना परोसने के बाद सभी 7 रोबोट एक लाइन से आगे बढ़ते नजर आए, जबकि ग्राहकों ने रेस्टोरेंट में आने के बाद रिसेप्शन पर खड़े एक रोबोट को अपने से जुड़ी जानकारी दी, जिसके बाद उस रोबोट ने ग्राहक का स्वागत किया।